तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि अभी तक हम लोग जो चीज पढ़ रहे थे वो था बेसिक्स, कि कैसे फाइल को ओपन किया जाए, कैसे न्यू फाइल क्रिएट किया जाए, कैसे सेव किया जाए, कैसे क्लोज किया जाए, कैसे नेविगेट किया जाए, स्टेटस बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, रीड मोड क्या होता है, प्रिंट लेआउट क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, सारे चीज हम लोगों ने देख रखे। अब आपका अगर सिलेबस, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे थ्योरी सिलेबस में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आना चाहिए, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ चुका होगा। अब आपको ये बोल रहा है कि टेक्स्ट क्रिएशन और उसको मैनिपुलेट करना आपको आना चाहिए, या टेक्स्ट को फॉर्मेट करना आना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मेटिंग सिखाना है, तो मैं आपको चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट एंटर बटन दबाते हैं और फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। देखिए, फॉर्मेटिंग अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए इतना, ये एक सेगमेंट है जो मैं आप यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट में क्या कर सकता हूँ, या तो इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूँ, या तो इसमें कुछ बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, या स्टाइल वगैरह चेंज कर दूँ। तो चलिए इसका कुछ चीजें चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये है, इसको मैं या तो बोल्ड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल्ड बटन है, आप यहाँ पे शॉर्टकट भी देख पा रहे हैं, सबका शॉर्टकट। कुछ कुछ चीजों का नोट डाउन करके रखिएगा, सबका शॉर्टकट तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ का, जैसे कंट्रोल बी है, ये है बोल्ड का बटन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बोल्ड का बटन क्लिक करता हूँ, ये बोल्ड लेटर्स में आ गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल बी फिर दबा देता हूँ, यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन दबाता हूँ, तो क्या होगा, देखिए ये वापस बोल्ड से हट गया। तो कंट्रोल बी बटन दबाने से बोल्ड हो जाता है और फिर दबाने से हट जाता है, ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे इटैलिक में भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल है, इसको इटैलिक भाषा में अगर ऐसा लिखना है तो इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा उसमें आ जाएगा, तो ये इटैलिक में आ गया। आप इसको वापस इसको चेंज कर सकते हैं इसको क्लिक करके। ठीक है, अगर इसका शॉर्टकट देखें तो कंट्रोल और आई का बटन अगर आप दबाते हैं तो भी आपका इटैलिक आ जाएगा, और उसको वापस दबाते हैं तो हट जाता है। तो कंट्रोल आई का बटन इटैलिक के फॉर्म पे है। इसको अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे यू का बटन दबा सकते हैं, ये यू के बटन दबाने से देखेंगे तो आप यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है। ठीक है, और अगर वापस आप इसको क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन हट जाता है। तो अंडरलाइन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा वाला अंडरलाइन ले तो आप ऐसा वाला अंडरलाइन ले सकते हैं, आप डॉटेड अंडरलाइन ले तो जैसा आप अंडरलाइन चाहें वैसा आप ले सकते हैं। अंडरलाइन के कलर भी चेंज किया जा सकता है और आपको उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन की एक फीचर्स होते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये इसका फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट में कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे देखिए इस फॉन्ट का कलर चेंज हो सकता है। जैसे फॉन्ट का कलर मैं चाहूँ तो फॉन्ट का कलर लाल में भी हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो कंट्रोल जेड का बटन दबाता हूँ, अंडू बटन दबाता हूँ, तो ये वापस अपने उस पे आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि देखिए ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इन दोनों का अंतर ये है कि ये वाला जो राइट हैंड साइड पे है वो सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज करता है, लेकिन ये क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, तो ये आपका हाईलाइटेड वाला सेगमेंट है, हाईलाइट टेक्स्ट कलर। ठीक है, अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं वापस कंट्रोल जेड बटन दबा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है कि मेरे को इसका केस चेंज करना है। केस का मतलब होता है अपर लेटर, लोअर लेटर या मिक्स, ऐसा मैं चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट किया हूं और यहाँ पे ऊपर में है चेंज केस का बटन, इसको मैं क्लिक करता हूं, तो अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा हर जो फर्स्ट लेटर है या पूरा का पूरा लोअर हो जाए, तो देखिए एन भी छोटा हो गया, ओ भी, सब चीज छोटा हो गया। अगर मैं केस चेंज करना चाहता हूँ अपर लेटर में, तो हर चीज कैपिटल लेटर में हो गया। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहे बाकी सब छोटा रहे, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है बाकी सब छोटे हैं, तो मतलब हर उसके वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये आपका, आप यहाँ से केसेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, टॉगल केस आप समझ रहे हैं, ये टॉगल टाइप का हो गया कि फर्स्ट छोटा फिर बाकी सब बड़ा, इसको बोलते हैं टॉगल केस। तो ऐसे आप यहाँ पे चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद साइज के ऊपर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे साइज में कम ज्यादा का बटन दिया है, अगर आप चाहें तो ये
फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है, आपका उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, आपके शीट का, आपका जो ये वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ फॉन्ट का साइज कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। आप चाहें तो यहाँ से इसको कोई भी उसका ले सकते हैं। नॉर्मली जो लिया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट में वो टाइम्स न्यू रोमन लिया जाता है, तो टाइम्स न्यू रोमन रखिए और साइज को जनरली 12 पे आप फिक्स कर सकते हैं, या 12 ज्यादा हो जाए तो आप इसको 10 पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑन द सेम थिंग है, इतना आप यूज कर सकते हैं। ये आपका छोटा सा फॉर्मेटिंग सिखा देगा आपको। आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेटिंग में अब आपको देखिए कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में जो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए। तो टेक्स्ट में जो एडिटिंग है वो वाला पोर्शन अपन देखते हैं। तो एडिटिंग में क्या क्या हो सकता है, या तो मैं कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, ये सब चीजें होती है। तो देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज यहाँ से हट जाए और कहीं और चले जाए तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट बटन दबा सकता हूँ, ठीक है। होम में यहाँ पे एक कट बटन है, इस कट बटन को भी आप दबा सकते हैं, या शॉर्टकट आप इसको याद रखिएगा। मैं कुछ ही शॉर्टकट्स को आपको बोलता हूँ याद रखने के लिए, पूरे शॉर्टकट्स को नहीं, तो कुछ शॉर्टकट को आप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एक्स, ये सब क्योंकि ना बार बार काम आते हैं इसलिए आप इसको इस्तेमाल करिए, कंट्रोल प्लस एक्स, या फिर यहाँ पे आप जैसे देखिए अभी कट बटन डिसेबल्ड है लेकिन मैं किसी चीज को सेलेक्ट करूंगा ना तो वो इनेबल्ड हो जाएगा। इसको मैं जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाता हूँ या कट बटन दबाता हूँ तो देखिए वो चीज हट गया। और उसको मैं चाहता हूँ कि कहीं पेस्ट करना, मतलब कट तो कर दिया हूं मैं, पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वी बटन दबाता हूँ, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस वी बटन, ये इसका मतलब होता है पेस्ट का। तो पेस्ट का बटन अगर मैं दबाऊंगा तो देखिएगा वापस आ जाएगा, यहाँ पे मैं किया तो आपका जो कंट्रोल प्लस एन वाला सेगमेंट था वो वापस यहाँ पे आ गया। तो आपको एडिटिंग करना है तो आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको कुछ चीज को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एक्स, वो है कट, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे भी रहे और एट्थ पॉइंट पे भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस सी बटन दबा दूंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, या फिर यहाँ पे कॉपी बटन है, कॉपी दबा दूंगा तो क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी बटन दबा देता हूँ तो ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखिएगा, पेस्ट का बटन, या फिर यहाँ पे पेस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया वो। तो आप देख पाएंगे क्या, फर्स्ट में जो कंट्रोल प्लस ओ है वो यहाँ पे भी आ गया। तो तीन चीजें हैं, कंट्रोल प्लस, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। तो इसमें तीन चीज याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है कॉपी करना, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है पेस्ट करना, और कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है आपका कट करना। ये तीन चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो है कंट्रोल प्लस जेड, इसका मतलब होता है अंडू करना। मतलब देखिए अभी मैं जो लिखा मान लीजिए उसको मैं चाहता हूं कि मैं गलती से बाय चांस लिखा गया, अब मैं चाहता हूं ये हट जाए, तो आप यहां पे देखिए क्विक एक्सेस टूल में आवे भी आपको अंडू का बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, और एक बार दोबारा क्लिक करता हूं तो वो हट जाएगा, फिर तिबारा में ये हट जाएगा, मतलब जो जो मैं करता जा रहा था वो अंडू होता जा रहा है। और अगर मेरे को रीडू करना है तो मैं इसी के बाजू में रीडू दबाते जाऊंगा तो वापस मेरा जो जो लिखा हूं वो सब आ जाएगा। तो अंडू और रीडू का जो शॉर्टकट है, अंडू का है कंट्रोल प्लस जेड और रीडू का है कंट्रोल प्लस वाई, ये दोनों शॉर्टकट को भी याद रखिएगा। तीसरा अगर आपको और करना है, मान लीजिए इस पूरे उसमें आपको कुछ फाइंड करना है, ठीक है, तो कुछ भी चीज खोजने के लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ दबाने से आपको फाइंड आ जाता है। कोई भी चीज को फाइंड करना है तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसी होम टैब में आप राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये फाइंड का ऑप्शन है ना, फाइंड, या तो आप कंट्रोल एफ दबा दीजिए या फाइंड दबा दीजिए। जैसे ही आप फाइंड दबाते हैं आप यहाँ पे कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हैं, या तो आपको अभी तो पूरे पेज में वो फाइंड कर रहा है, आप चाहते हैं कि मान लीजिए सिर्फ इतने सेगमेंट में मेरे को फाइंड करना है और मैं कंट्रोल एफ का बटन दबाता हूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ फाइंड, क्या करूं मैं, लेट सपोज एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे क्या, जिस सेगमेंट में मैं खोज किया था उसमें सिर्फ यही चीज आया है। तो कोई चीज को फाइंड करना है किसी डॉक्यूमेंट में तो आप कंट्रोल एफ या फिर यहाँ पे फाइंड दबा सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को अगर मेरे को रिप्लेस करना है,
कोई चीज मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहां से यहां वाला जो सेगमेंट है इसमें आपका V के जगह में H आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो देखिए कंट्रोल जो आपका यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक रिप्लेस का बटन भी है, और इसी को अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो कंट्रोल प्लस H का बटन भी है, कंट्रोल प्लस H दबाते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है। तो चलिए दबा के देखते हैं, इतने सेगमेंट में अपन चाहते हैं कि जहां V लिखा होगा वहां पे H आ जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस H बटन दबाता हूं और रिप्लेस में आ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पे V का जो है V के बजाय में H आ जाए, तो आप यहां पे रिप्लेस करके देखते हैं। चलिए आप रिप्लेस करें वर्ड फिनिश पे, आप यहां पे देख पाएंगे क्या V के जगह में H आ गया, तो ये होता है रिप्लेस। तो इतना सेगमेंट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कोई भी इसको वर्ड को एडिट करने के लिए। ये आपका जो टेक्स्ट क्रिएशन है और टेक्स्ट मैनिपुलेशन है, ये सेगमेंट आपका होता है कि कैसे हम चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इधर का उधर ला सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप ये वाला सेगमेंट क्लियर होगा आपको।